बाइक, जिसका डर था वही हुआ। हो चुका मेरा गाड़ी का सफर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम गंबोरंजन। गंबोरंजन है हम लोग के सामने। कल शाम को दिन में पहुंच गए थे हम लोग, तो देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा कुछ फुटेज का हुआ था प्रॉब्लम, तो इस टाइप से हम लोग को वीडियो को प्रेजेंट करना पड़ा। एक्चुअली टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया था, जो Insta360 का कैमरा था वहाँ से मेरा कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो वीडियो नहीं दिखा पाया मेरा अच्छी तरीके से। तो ये है गंबोरंजन। तो आज यहाँ से निकल जाएंगे पूर्णिया और पदम की तरफ। फिर हम लोग का बाइक्स यहीं पे रात को किया था पार्किंग, जैसे देखा पानी पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है यहाँ पे। तो अभी निकल जाएंगे। हाँ अभी निकल जाएंगे। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली ठंडे से हालत ख़राब हो चुका है अभी। तबीयत विक्रम का हालत, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। रात को थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत उसका ख़राब हो गया था। मेरा भी थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, उसका ज़्यादा ही है, थोड़ा सीवियर है उसका सिर दर्द। पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। हल्का हल्का सिर दर्द मेरा भी है, जब अभी हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से हो रहा है। जब हम लोग नीचे पहुँचेंगे शायद ठीक हो जाएंगे, इसी आशा के साथ। तो ढेर सारा पानी पीते हैं अभी और निकलते हैं धीरे धीरे से। सर लगे रहिए, तब तक क्या क्या दिखाते हैं अभी ऑन द वे, चलिए पादुम तक। सो अभी निकल पड़े गंबोरंजन से, सीधा जाएंगे पदम की तरफ पूर्णी होके। वहाँ पे हम लोग को एक गोम्पा विजिट करना है। हम मज़ा आया यहाँ पे रह के, 14,000 फीट हाई एल्टीट्यूड में रह के, इसलिए तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन मज़ा तो बहुत आया। ऐसा नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा तबीयत हुआ ख़राब, लेकिन ये नज़ारे बार बार नहीं मिलेगा। हाँ लाइफ में एक ही बार आना होता है इस टाइप का जगह में। मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ ऐसा लग रहा है मेरे उंगलियों में जान ही नहीं है, इतना ठंड है यहाँ पे। हाँ धूप तो निकल चुका है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। उंगली जैसा लगता है मर गया है, डेड हो गया, डेड मेरा उंगली। लास्ट दबाते समय पता चलता है कितना डर हो रहा है मुझे। रास्ता भयानक है, बन रहा है, बन जाएगा 2 साल के बाद ये एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा, पूरा धार्मिक रोड बन जाएगा ये। जिसको करना है ये एडवेंचर वाला रोड, नेक्स्ट ईयर कर ले, उसके बाद शायद ही हो पाएगा, बन जाएगा शायद नेक्स्ट ईयर तक, मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। जिस हिसाब से बन रहा है रास्ता। फिलहाल तो नज़ारे बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। सामने एक गांव दिख रहा है, क्या गांव है पता नहीं। फिलहाल तो हम लोग जाएंगे पुणे, जो फुकटल गोम्पा है वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, अगर टिपिकल का तबीयत ठीक रहा तो। अगर तबीयत उसका ठीक नहीं रहा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ में ऑलमोस्ट अप एंड डाउन 3 आवर्स का ट्रैकिंग होगा। तो हाई एल्टीट्यूड में ऐसा तबीयत ख़राब तबीयत से ट्रैकिंग करना मुश्किल होगा। देखते हैं क्या होते हैं। तो ये है कारगियक विलेज, टूरिस्ट रेंट हाउस कारगियक विलेज है ये। तो यहाँ में भी रहने का अरेंजमेंट का है, अगर आप लोग गंबोरंजन में नहीं रुकते तो यहाँ भी आके रुक सकते हैं आप लोग, कारगियक विलेज। हाँ छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, स्टीफ टाउन। एक नंबर में गियर लगा के क्लास छोड़ दिया मैंने गियर के ऊपर, नो क्लास नो ब्रेक, बस यही लेके जाएगा आगे की तरफ स्मूथली और संभालते हुए। बस आपको हमको हैंडल संभालना है बस। आगे और है छोटा छोटा वाटर क्रॉसिंग, पानी है ही नहीं, चलो अच्छा है। आगे और एक वाटर क्रॉसिंग, थोड़ा सा गहरा लग रहा है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, निकल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ टिपिकम निकल गया, मैं भी निकल ही जाऊँगा,
हाँ निकल गया मैं भी। ओहो मस्त मस्त मस्त, क्या चाहिए। और तो ये है कार्डियक विलेज, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का नंबर रजिस्टर करा के निकल आया। तो यहाँ पे होटल वोटल रहने का है, ये है जंस्कर वैली। हाँ सांस फूल रहा है, ओ यहाँ से दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है क्या था कौन मनोरंजन। हाँ इसलिए निकलते हैं अभी यहाँ से, हो गया। तो ये भी 14,275 फीट है हाइट एल्टीट्यूड, तो हम लोग 14,000 में ही घूम रहे हैं, तो इस वजह से त्रिवेक्रम का तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, और 1000 एल्टीट्यूड नीचे जाने से इसका शायद तबीयत ठीक लगेगा। हाँ ये कितना सुंदर तरीके से सजा के रखा है बुद्धिज्म मस्त। अब यहाँ यहाँ धीरे धीरे घर बन रहा है, गाँव बन रहा है, धीरे धीरे ये भी गाँव से लोगों से भर जाएगा गाँव। हो गया पंगा, जिसका डर था वही हुआ, देखा सेन गिर गया। अब यहाँ से और पादम के लिए 20 किलोमीटर दूर है, इसे लेके जाऊँ वही सोच रहा हूँ। इसको अभी पिकअप से गाड़ी में उठाना पड़ेगा अभी, चला दिया बाइक। सो शुरू हो चुका मेरा गाड़ी का सफ़र, क्योंकि मेरा बाइक कर रहा है सफ़र पीछे, वो खड़ा है। अभी जाऊंगा पदम की तरफ, वहाँ मैकेनिक मिल जाएगा, वही से ठीक करा के फिर निकल जाऊंगा। आगे जा रहा है त्रिविक्रम। तो ये पहुंच गए हम लोग पुणे, ये पुप्पल गोम्पा जाने का रास्ता इधर से है। हाँ पुप्पल, तो हम लोग का नहीं हो पाएगा क्योंकि नसीब में ही है नहीं, बाइक हो गया मेरा खराब 20 बजे से। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो जाऊँगा, और त्रिविक्रम पूरा रास्ते का मज़ा लेते हुए आगे जा रहे हैं। मैं बेगसारा क्या करेगा, अब गाड़ी में मज़ा ले रहा हूँ, बाइक चलाने का मज़ा नहीं मिल रहा है। पहुंच गए पदम, तो पदम में आके बाइक अभी चल रहा है इसका रिपेयरिंग। सेन स्प्रॉकेट को अभी सेन को ये उठाना पड़ेगा, देखिए मेरा सेन का हालत ये है, गिरा हुआ है, इसको उठा के भी लगाना है। तो ये मिल गया पदम में टायर में रिपेयरिंग का दुकान, वही बना देगा, और ये भाई साहब ने पूरा मदद कर दिया मेरा, नहीं तो मुश्किल हो जाता मेरा। सो गाइस अभी फिलहाल हूँ मैं पादुम के मार्केट में घूम रहा हूँ, जो आज पहुँचा कैसे पहुँचा तो देख ही लिया आप लोग ने, क्या हाल हुआ कैसे करके आए। 5,000 रुपीज़ गया मेरा गाड़ी को, बाइक को लाते समय पिकअप से, गाड़ी में पिकअप वाला जो वैन था उसमें लाने में 5,000 रुपीज़ ऐसे बेकार गया। अच्छा इसको जाने दीजिए रुके, एक्चुअली मैं जिसके लिए आया था, जो ऑफ रोड में मुझे बाइक राइड करना था, वो एक्चुअली नहीं हो पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। हाँ वो त्रिविक्रम किया, त्रिविक्रम का अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सोया हुआ है रूम में, और रूम इधर ही पास ही ले लिया, एक जंस्कार किचन बोल के एक है होटल, वहाँ भी ऊपर रूम है, रूम ले लिया। हाँ 1200 का आया। ये कहानी क्या बोले आप, यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन गोमरंजन से कम है, गोमरंजन में बहुत ज़्यादा ठंड था, भयंकर वाला ठंड था। तो यहाँ से कल निकल जाएंगे कारगिल की तरफ, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है, उसको शायद कल करेंगे एक्सप्लोर, आज नहीं हो पाया क्योंकि थक गया था और इसका तबीयत ख़राब होने की वजह से भी नहीं किया। तो ये आज का कहानी हो, आप लोग को अच्छा लगा होगा। हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा चैनल को, तभी अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय देन, टेक केयर।